95 सवारियां। आप लोगों को खुद भी नहीं लगता है भाई, इतने हादसे हो रहे हैं, खुद भी नहीं लगता है क्या? ये लबालब भरी निजी बसें प्रदेश में परिवहन निगम सुविधाओं की हालत बयां करती हैं। जिला के राजगढ़ मानवा रूट पर अक्सर निजी बस चालक अपनी मनमानी करते हैं और बसों को ओवरलोड कर कर चलते हैं। कई दफा पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन ये निजी बस ऑपरेटर बाज नहीं आते। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस ने यहाँ सवारियों से खचाखच भरी हुई निजी बस का चालान किया, जिसमें कुल 95 सवारियां सवार थी। जान को जोखिम में डाल के घर तो नहीं जाना चाहिए, बताइए। आप SDM के पास जाइए, बोल सकते हैं, वो आपको स्पेशल गाड़ी दे सकता है, ठीक है ना? लेकिन इस तरह से गाड़ी के छत पर सवार होके रूट का आप इस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है? ये गलत बात है। सरकारी बस भी तो ओवरलोड गई है, हमारी भी मजबूरी, हमने भी घर जाना है, अब काहे में जाएंगे? बोलिए सर, आप ये नहीं दूर जानी, 100 किलोमीटर जानी है। मौके पर पुलिस कर्मचारी ने ड्राइवर को लताड़ भी लगाई और उसके दस्तावेजों की जांच भी की, लेकिन इसी बीच परेशान हो रही सवारियां ये भी कहती नजर आई कि इस रूट पर बस सेवाएं केवल नाम मात्र ही हैं, इसलिए वे निजी और सरकारी बसों की छतों पर बैठने को मजबूर हैं। अगर वे निजी बसों की छतों पर ना बैठें तो वे अपने ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में वे सरकार को जिम्मेदार ठहराएं या फिर उन निजी बस ऑपरेटरों को जो हादसों को न्योता देकर ओवरलोड होकर चलते हैं। 100 किलोमीटर जानी है, जान को जोखिम में डाल के घर तो नहीं जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।